गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू डे, आ वेरी ब्यूटिफुल डे। डे तो बड़ा ब्यूटिफुल है, लेकिन आज मेरे मियाँ जी जा रहे हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। पता नहीं वो मुझे मिस करेंगे कि नहीं। अच्छा जी, तो सारी बातें छोड़ें, अभी सुबह उठ के नाश्ता आज वासिफ ने बनाया था, हमने नाश्ता कर लिया। अब मैं कह रही हूँ मैं फ्रेश हो जाऊँ, ठीक है। और मैंने कहा कि वासिफ को ट्रैवलिंग के लिए यार कुछ बना के दे देती हूँ, रात 2 बजे निकलेंगे, रास्ते में भूख वगैरह लग गई तो सैंडविच मैंने सोचा कि कुछ बना देती हूँ। तो सबसे पहले मैं शॉवर लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, वासिफ के लिए सैंडविच बनाऊँगी, और उसके बाद मैं अपनी तैयारी करूँगी, तैयार होऊँगी मामा के घर जाने के लिए। अभी वासिफ गए हुए हैं अपने आप को चमकाने, और साथ अपनी गाड़ी की थोड़ी बहुत मेंटेनेंस करवाने, उसका ऑयल चेंज होना था, व्हाटएवर। जी गाइस, तो फ्रेश में हो चुकी हूँ, मैं फटाफट से नीचे जाती हूँ किचन में, वासिफ के सैंडविच बनाती हूँ। लेट्स गो। दोस्त भी नीचे आ गया। यहाँ पे मैंने सैंडविचेस का बोनलेस कह रही हूँ, चिकन का बोनलेस किया। मामा ने फ्रूट चाट बनाई है, अब मैं इसको मैरिनेट होने रखती हूँ और अंडे बॉईल करती हूँ। चिकन मेरा मैरिनेट हो चुका है, मैंने इसको छोड़ दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, अब मैं इसको जल्दी से बस फ्राई करती हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रेड के जो है वो साइड्स जो हैं वो मैं कट कर रही हूँ, और उस ब्रेड के जो हैं वो मैंने सारा देखो कैसा ढेर पहाड़ लगा दिया, और सारे एजेस भी कट हो गए हैं। और ये मेरे पास सुबह का एक था लेफ्ट ओवर, मैंने कहा मैं ये भी यूज़ कर लेती हूँ। और जो है मेरा चिकन भी हो चुका है, चीज़ मैंने निकाल ली, अब मैं यहाँ पर जो है वो अंडों का वेट कर रही हूँ कि बॉयल हो जाए, ऐसे हो ही गए हैं। यहाँ पे मैंने चेडर चीज़ ली थी, लेकिन मैंने कहा कि मेल्टेड चीज़ ले लेती हूँ, तो मैं ये भी इसमें यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा मिक्सचर रेडी हो चुका है, और स्लाइसेस जो हैं ब्रेड के उनको एक तरफ मैं थोड़ी थोड़ी सी केचप लगा रही हूँ। मैंने एसएच मिक्सचर के अंदर कुछ भी नहीं डाला, बस जो अंडे लिए थे उनको बॉयल करके और उनको मैश कर दिया है जैसे हम टैटूज को करते हैं, और उसके अंदर चीज़ वगैरह ऐड कर दिया। गाइस, तो सैंडविच बना के मैं फ्री हो चुकी थी, एक अदर सैंडविच मैं अपने साथ भी लेके आई हूँ, खा के देखती हूँ उसका टेस्ट कैसा है। मज़े क्या, टेस्टी, माइल्ड माइल्ड सा फ्लेवर है, अच्छा लग रहा। आप सोचेंगे अपनी तारीफें खुद ही की जा रही है, पर नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, अगर नहीं अच्छा लगता तो मैं आपको बता देती। चलो जल्दी से ही खाती हूँ, ख़त्म करती हूँ, फिर मैं अपनी तैयारी करने लगी हूँ। 5 बज रहे हैं, फिर मैंने घर भी जाना है, ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। A few hours later. जी गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब बस मैं निकलने लगी हूँ, बिकॉज वासिफ ने वापस आना है और वो कह रहे हैं वो चाह रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट कर लें। सो चलें, अब चलते हैं अपने घर, देखते हैं वहाँ पे कौन कौन आया है और मैं वहाँ किस किस से मिलती हूँ। जी गाइस, तो नाउ आई एम हेयर, हम लोग जा रहे हैं, और वैसे आप तो बहुत खुश होंगे ना इस दफा। नहीं, उदास हो गया हूं मैं थोड़ा सा। क्यों? पता नहीं, अल्लाह की तरफ से नेचुरली। क्या उदासी हो रही है आपको? बीवी को छोड़ के जा रहे हो, इस वजह से उदास हो या वैसे? इस वजह से। आप मुझे मिस करोगे? चलो खैर खैरियत से जाओ। अब वासिफ जा रहे हैं आज, इंशाल्लाह 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 संडे तक वासिफ आपने आ जाना वहाँ, इंशाल्लाह लेट नाइट आ जाऊँगा लेकिन आ जाऊँगा। ओके जी, तो अभी हम रास्ते में हैं, बस फटाफट से घर पहुँचते हैं, फिर आपसे वहाँ मुलाकात करते हैं। A few hours later. हम किस से मिले हैं हम घर आके? माज, माज ये देखो बाबा आए। माज हाय, माज से हाय। देखो हम किससे मिले हैं, हम आए अपनी मामा की तरफ, और ये चिड़िया भी इधर आई हुई है। आ रहे हो वहां से? हैं, निकल रहे हो? चलो खैर खैर से जाओ, खैर खैर से जाओ।
मेरे गाइस को भी अल्लाह हाफिज़ कर दो। हेलो वो देख आयशा, वो देख ब्रश कर रहे हो। मुझे ब्रश से आता है, मैंने इसका वो वाला फिंगर ब्रश। माँ साहब चाचो की चिज्जी ले आयो। मेरे चाचे किधर हैं? हम पैसे किधर हैं? माश किधर आ गया? मेरे चाचे दो हाँ।